आप एक ऑटो चालक जी, और जब ऑटो चालक थे जहाँ पर क्या माहौल बना सके आप भी उसमें पिटे और आपको भी लोहलुहान कर दिया गया। सर मैं मुनिका मेट्रो से और मैं परियार हॉस्टल आया था, वहाँ पे शाम का समय था और शाम के समय में वहाँ पर सब लोग डंडे लेके सब लोग खड़े थे। अच्छा, वहाँ माहौल इतना गंदा था, मैं खुद जाके एटीएम के अंदर छुप गया था, बाहर निकल के आया हूँ तो मेरे के यहाँ पर सर फाड़ दिए। अच्छा, मेरा गलती क्या है, मैं तो गरीब आदमी है ना, मेरे तो ऑटो चलाना है, मेरा सर फाड़ दिए, जाके बाहर पट्टी करवाया हमने, पट्टी करवाने वाला कोई नहीं आया। फिर जेनू गेट से बाहर निकलने के लिए 3 घंटा निकला, 3 घंटा लगे जेनू गेट से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, कोई गेट, सारा गेट बंद था, किसी गेट से बाहर नहीं निकल पाया मैं। इतना घबराहट में था कि मैं बच्चों पर कैसे पहुँचूंगा। क्या आप, मेरी गलती क्या है, आपको मारा था क्या वो लोगों ने, मास्क पहना था? मैं उस भीड़ में किसी को देख नहीं पाया मैं। अच्छा, हाँ, उस भीड़ में किसी को नहीं देख पाया। हाँ, मेरा गलती एक था कि मैं एक थोड़ा भगवा कलर का मैं वो पहन रखा था, ये रुमाल डाल रखा था, आज रुमाल चेंज कर लिया, कोई किसी को मारेगा? मेरा काम क्या है, देखो बच्चों को पालना है, मेरा काम क्या है बताइए, किसने मारा? मैं किसको बताऊँ, भीड़ में किसको बताऊँ? कम से कम 150-200 लोग थे। पेरियार हॉस्टल के पास की बात बोल रहा हूँ मैं, ये जो ये गोदावरी जो बस स्टैंड है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।